बिजनेस लीडरशिप लीग यानी BLL का टॉप लाइन बिजनेस ग्रोथ मीट आज कई मायनों में खास रहा। WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ लाउंज में आज का जो सेमिनार रहा उसमें 180 से ज़्यादा जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए प्रतिनिधि रहे, जो इंटरप्रेन्योर्स रहे, नए स्टार्टअप के संचालक रहे, कारोबारी रहे, उन्होंने इस हिस्सा लिया। यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट ने जो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या सक्सेस पाने के लिए, कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तमाम तरह के आइडियाज और उन्होंने जानकारियाँ यहाँ पर साझा की, और इसका एक्सपीरियंस भी जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने साझा किया कि किस तरह से BLL प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए महत्वपूर्ण बन रहा था। BLL के बिजनेस टॉप लाइन ग्रोथ मीट में आज 200 से अधिक उद्यमियों और लघु उद्योजकों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में इंडोनेशिया के काउंसलेट जनरल एडी बारदोयो ने भारत और इंडोनेशिया के बीच कारोबारी रिश्तों की जानकारी देते हुए आगामी ट्रेड एक्सपो में शामिल होने और निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। इस सेमिनार में तजुर्बा, रूपी बॉस, अर्थवृत्त, टैली, IDFC बैंक समेत कई वित्तीय और इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट ने कंपनी कारोबार के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रोथ का आइडिया शेयर किया और उसे अपनाकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। यहां पिल्ले इंस्टीट्यूट और ITM स्किल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों ने BLL के साथ करार साझा किए। उद्यमियों ने बिजनेस टॉपलाइन ग्रोथ मीट को कारोबार बढ़ाने का बेहतरीन जरिया बताया और BLL एवं CEO श्वेत पद्मा मोहंती की तारीफ की। ऐसा जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्किंग और बिजनेस लीडर्स को मीटिंग करने में बहुत कामयाबी हो गई है और हम लोग को ये टाइम फिलिशिएट किया है। ये फंक्शन पे हमारा पैकेजिंग मशीन का काम है, 20 साल से, मोर देन 20 इयर्स वी आर इन द इंडस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इन द सेंस दैट दे आर कॉलिंग, सब लोग को बुलाते हैं फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दे आर कॉलिंग पीपल एंड अंडर दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी पब्लिक को, नया एंटरप्रेनर्स को भी नई नई मुलाकात हो सकती है एंड दे विल बी एबल टू गेट बेटर एक्सपोजर इन दी ओवरऑल बिजनेस एटमॉस्फेयर। इन द नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, नेटवर्किंग के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप वेरियस इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ मिल सकते हैं, आपको यहाँ से डिफरेंट कनेक्शंस मिल सकते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई थिंक ये टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स और एक्सप्लोर होने चाहिए और ज़्यादा लोग इनसे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगी डेफिनेटली। ये जो BLL प्लेटफॉर्म है उनमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो नेटवर्क है SMEs के साथ या MSMEs के साथ काफ़ी अच्छा है और हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ITM बिजनेस स्कूल, ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी, जिनको ये जो एकेडेमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स को ये जानकारी मिलना चाहिए कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में अगर हमें अच्छे से शाइन होना है तो हमें किस तरह से मेहनत और स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें काफ़ी कनेक्ट करता है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और हम इनको हमारे कैंपस में बुला सकते हैं एज फॉर लीडरशिप सीरीज या स्टूडेंट मेंटरिंग और बहुत सारे जो गेस्ट सेशंस होते हैं फ्रॉम इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, इनके लिए काम आते हैं। ITM की एक बहुत यूनिक ऑफरिंग है इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोजेक्ट जो 5 महीने की होती है और BLL के 10,000 से ज़्यादा नेटवर्क कंपनीज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है और BLL के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट स्टूडेंट्स हु कैन वर्क विद देम फॉर 5 मंथ्स। वही इंडियन मर्चेंट चैंबर्स के चेयरमैन आर के जैन ने बिजनेस टॉपलाइन ग्रोथ मीट को नवम्बई, मुंबई और महाराष्ट्र के उद्यमियों के लिए उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि BLL से जुड़कर अब कोई भी उद्योजक महाराष्ट्र और देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी अपने बिजनेस को बुलंदी पर पहुंचाने का अवसर पा सकता है। एक प्लेटफॉर्म जो आपको बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट करता है, आपके बिजनेस को प्रमोट करता है
और अब तो हम इंटरनेशनल बॉर्डर तोड़कर आपको दूसरे कंट्री में लेकर जा रहे हैं आपका बिजनेस प्रमोट करने के लिए। ऐसे प्लेटफॉर्म आजकल बहुत कम बचे हैं, भाषणबाजी ज़्यादा होती है, सम्मान बहुत होता है लोगों का, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए बिजनेस वाले हैं उनके फ़ायदे की बहुत कम चैम्बर या एसोसिएशन सोचती हैं, लेकिन उससे हटकर BNL आज वो कर रहा है जो लोग नहीं करते हैं। यही रीज़न है कि एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, जब कोविड में सब बिजनेस एसोसिएशन या चैम्बर्स की मेंबरशिप कम हुई, BNL की डबल हुई, और आज जो अगर हज़ारों से ऊपर पहुँची है, आज 200 से 300 पार्टिसिपेंट्स हर इवेंट में होते हैं, एक छोटे से जगह से आज WTC में इवेंट हो रहा है, कल को और भी बड़ी जगह में होगा, यही एक कारण। इस अवसर पर BNL के CEO श्वेत पद्मा मोहंती ने उद्यमियों के अच्छे प्रतिसाद पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि बिजनेस टॉप लाइन ग्रोथ मीट के जरिए वे लघु उद्योजकों को प्लेटफॉर्म और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में जुटे हैं, उद्यमों के प्रोडक्ट और सर्विसेज को और अधिक विजुअल बनाते हैं, तजुर्बा रूपीबास अर्थवृत्त समेत अनेक संस्थाओं और एक्सपर्ट के जरिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रोथ का आइडिया दिलाते हैं, ताकि BNL से जुड़कर छोटे उद्यमी भी बड़ा कारोबार करने और अपने उद्योग को आगे बढ़ाने का अवसर पा सकें। मैं यही सोचती हूँ कि BNL की सफलता हम सबकी सफलता है, हमें सब साथ जुड़ना है, एक कम्युनिटी, बिजनेसेस को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंटरप्रेन्योर्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, सामने के बिजनेसेस के साथ कॉन्टैक्ट शेयर करना है, वी हैव टू कोलैबोरेट, वी हैव टू पार्टनर, दैट्स द वे फॉरवर्ड, एंड यही BNL की मंशा है कि हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े, अपनी बिजनेसेस को रिक्वायर्ड विजिबिलिटी दें, दैट इज़ वाई यू नो अपार्ट फ्रॉम आर प्रोग्राम्स हम एजुकेशन के साथ बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। पहली बार मिस्टर RK जैन के लीडरशिप में हम डेलीगेशन लेके जा रहे हैं इंडोनेशिया, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया है, या गेटिंग द राइट टैलेंट, ऑल कोर एरियाज ऑफ अ बिजनेस में BNL का फोकस है, ताकि एज एंटरप्रेन्योर्स एज अ कम्युनिटी वी कैन ग्रो टुगेदर। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।